कैसा लगा भाई? पहले वाली बात नहीं भाई, पहले आए थे वैसे तुम? भाई पहली बार आया, बोल रहे पहले वाली बात नहीं रही। तो यहाँ पे धर्मेंद्र जी की सारी मूवीज के पोस्टर लगे हुए हैं, ये है शोले का और ये माफिया, ये यमला पगला दीवाना, जुगनू। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज मैं घर पर ही था और मेरे कजन भाई का फोन आया, कहता कि भाई कहीं घूमने चलते हैं। मैंने पूछा भाई कहाँ जाएगा? सो भाई ने कहा यार गरम धर्म चलते हैं। मैंने सोचा यार भाई से मिले हुए कितने दिन हो गए और मैं कभी गया भी नहीं वहाँ पर। सो मैंने सोचा इसी बारे भाई से भी मिल लेंगे और अपना व्लॉग भी हो जाएगा। सो इसी व्लॉग में मैं यही सब कवर करने वाला हूँ। यार आप एंड तक बने रहना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का हमारा व्लॉग। सो गाइज, अभी मैं अपने घर से निकल चुका हूँ, अभी अपने भाई को पिक करूँगा, फिर उसके बाद अपन चलते हैं गरम धर्म। वैसे मैंने मैप में चेक किया था, आई थिंक एक डेढ़ घंटे का तो मेरे घर से दिखा रहा था रूट, बाकी देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। अभी अपने भाई को पिक करते हैं, फिर मिलते हैं। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं जहां से मेरे को अपने भाई को पिक करना है। ये अपने भाई लोग आ चुके हैं। और अमन भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई। और जूते वूते भी तूने डाल रखे हैं? ट्रैकिंग वैकिंग पे जा रखा है भाई? अरे वो शूट के लिए। ये है मेरा भाई मोहसिन, और ये है मेरा भाई मिलन, और ये भाई विक्रम भाई। क्या हाल है भाई आजकल? बढ़िया भाई, बढ़िया भाई। एक बंदा और आने वाला था अपना, तू कब आएगा बिग बॉस में भाई? भाई दुआ करो तुम्हारा भाई भी बिग बॉस में आ जाए। बड़े उसमें जाएगा तो क्या छोटी बातें करते कहां जाएंगे क्या? अपना बिग बॉस खोलेंगे अपने तरीके से बात करेंगे हम। क्या हो भाई? दावादी गाड़ी यार, कैसी बातें कर रहा है भाई? की बातचीत तगड़ी है। क्या कह रहा है इसमें? बातचीत कहाँ से आ गई? बातचीत बिल्कुल आएगी, तू ज्यादा तो हटाता ही नहीं। वो पुनीत सुपरस्टार ने भाई सीट पे ही हक दिया, इसलिए निकाला था उसको। आगे ले गया। अरे भाई इंग्लिश सीट पे उसने हक दिया और टट्टी टट्टी फैला दी सारे भाई। कसम। तभी तो निकाला था भाई, वो पता नहीं क्या क्या जो टॉयलेट सीट करने वाला वो मुंह पे डाल रहा है, क्या कर रहा है, इसलिए तो निकाला था उसको। सो गाइस, ये आ चुके हैं हम अपने गरम धर्म पर, और ये सामने अपना अमृत सुखदेव। सच में उसका है? और दे। उन्हें तो बताया मुझे। कर तो दी भाई। और यहाँ पे हम एरोप्लेन की सवारी भी करने वाले हैं, एक बार दिखा दे। ये भी सामने एरोप्लेन चल रहा है भाई। ये छोटा बच्चा है ना, ये वाला छोटा बच्चा, ये जाएगा उस पे। ये बैठेगा तो भाई वो नीचे आ जाएगा। ये अमृत सुखदेव भी फेमस है भाई? पता नहीं, बस एक टाइम पे याद है मेरे को, फेसबुक पे जब लोग तब फेसबुक चलाते थे ना, तो एक ट्रेंड चला था भाई, हर बंदा फोटो डालता था इसकी। गरम धर्म का तो जी भी गायब है, आर भी गायब है, और धर्म भी गायब है। ये उनकी धर्म बाजी की वो है, क्या कहते हैं उसे, जीप। धर्म बाजी की जीप, उसी पे बसंती को लेकर आए थे वो भाई। खाना पीना है यहीं पे, ऐसी मौज मस्ती करनी है। तो यहाँ पे धर्मेंद्र जी की सारी मूवीज के पोस्टर लगे हुए हैं, ये है शोले का और ये माफिया, ये यमला पगला दीवाना, जुगनू, और कौन कौन सी। मैंने तो इसमें से सिर्फ ये देखी है, यमला पगला दीवाना। आप बताओ आपने कौन कौन सी देखी है? मर्द का खून और औरत के आंसू जब तक ना बहे उनकी कीमत नहीं लगा जा सकती। वाह क्या बात है बसंती, इन कुत्तों को खाना मत डालना। वैसे जो भी कहो मस्त लग रहा है, मतलब थीम अच्छी बना रखी है ना। बोलिए आप, मनी भाई के लिए काम करता है। आलू पराठा चाहिए, आलू प्याज का पराठा या गोभी का पराठा, मिक्स पराठा, पनीर का पराठा, बेटर तो मुझे यही लग रहा है। यार ऐसे क्यों बोल रहा है? एक बार में सारे पराठे का नाम बता दिया। पनीर का पराठा लेते हैं अपन दो, ठीक है? दो पनीर के पराठे मंगाते हैं। उबला वालू उसे साइज में बैठा हुआ है, उबला वालू उसे खिलाएंगे। दो दो मिक्स दो पनीर। भाई दूसरे कप पर क्या खाएगा भाई? देखो दो तो मिक्स पराठे खाएंगे, ठीक है? धर्मेंद्र के लिए एक मिक्स पराठा और अमिताभ के लिए एक मिक्स पराठा, ठीक है?
और काला भी था चलिए काले के लिए पनीर बना रहा काले के लिए पनीर बना रहा मक्खन है ये देखिए ये बकरी का मक्खन सॉरी गाय का मक्खन आ चुका है हमारे पास तो गाइस अपने पराठे आ चुके हैं अभी और अभी चाय आने बाकी है आरी मिलेगी अरे रखो अमन भाई में रखो यार एक पराठा यार अमन भाई जल्दी से उसका फीडबैक दो यार गलत बात है भाई फीडबैक के चक्कर में ही लग गई भाई तो यार ये पराठे के साथ आइसक्रीम दी है देख रहे हैं आइसक्रीम वनीला फ्लेवर वनीला वनीला आइसक्रीम दी है उसके पास डार्क चॉकलेट सो गाइस एक पराठा और एक चाय खा चुके हम कैसे लगा भाई ओके ओके लगा गरम है कैसे लगा भाई पहले वाली बात नहीं पहले आए थे वैसे तुम भाई पहली बार आया बोल रहे पहले वाली बात नहीं रही YouTube में टेस्ट भी पता लग जाता है भाई बिल पे करेगा आज हमारा मिलता भाई कल मिलता गैस को जहाँ पे बर्तन धोते ना वहाँ ले जाओ तो कैसा लगा भाई ये तुम्हें बढ़िया ही लग गया है एक नंबर का लगा पराठे थोड़े ठंडे थे अच्छे नहीं थे अच्छे थे और एक भाई हमारा पहली बार आया था लेकिन वो बोला था पहले अच्छे नहीं थे टिकने का बटर अच्छा नहीं लगा भैया पराठे के नाम पे तो पापड़ खिलाया है भाई ने तो फिर जेब में भी रख लिया वो बटर इस भाई ने बटर निकाल लिया वो कटोरी में भर के बटर निकाल लो भाई कटोरी में ले जाऊंगा घर पे भर के आगे आगे से इसको ब्लॉग में नहीं लेना अरे मजा आ गया भाई ये ऊंट पे बैठ गया हमारा भाई अपन और ऊंट चल गया है ये गरम धर्म के सामने अमन भाई हमारे सो गाइस अभी हम आ चुके हैं बाहर खा पी कर अब घर जाने की तैयारी में कैसा लगा भाई भाई इतना ठीक नहीं था मतलब खास है ठीक लगा मतलब यार दोस्तों के साथ घूमने का मौका मिला बढ़िया इसे यही चाहिए और क्या है ये तो घूमना फिरना तो चलता रहता है बस दोस्तों के साथ अच्छा लगा मोहसिन भाई पहले वाली बात नहीं रही तो यार पहली बार तो आया ये ये कह रहे पहली बार बढ़िया था वैसे बाकी यार मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में लाइक कर देना इसको सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट करके बताना कैसे लगा बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत शुक्रिया बाय 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 बाय